हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप यूएई में जॉब करते हैं और आपको रिज़ाइन देना है, चाहे वो प्रोबेशन पीरियड में हो यानी कि 6 महीने पहले हो या 6 महीने बाद, तो क्या है लेबर लॉ के हिसाब से पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, अगर आप यूएई में जॉब करते हैं तो अभी जो आपका वीज़ा लगा हुआ है, ऑब्वियसली वो 2 साल का ही वीज़ा लगा हुआ है, तो जो प्रोबेशन पीरियड है वो 6 महीने तक का होता है, यानी कि 6 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो बोला जाता है आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको रिज़ाइन करना है तो दोनों पीरियड के लिए अलग अलग लॉज हैं, यानी कि अगर आप प्रोबेशन पीरियड में रेजिग्नेशन देना चाहते हैं उसका मेथड अलग है, और 6 महीने बाद रिज़ाइन करना चाहते हैं उसका मेथड अलग है। तो शुरू करते हैं कि अगर 6 महीने आपको हो गए हैं उसके बाद आपको रिज़ाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक रेजिग्नेशन लेटर देना होगा आपके ऑफिस का जो भी मैनेजर है, HR है, CEO है, जितने भी हैं उनको ऑफिशियली आपको मेल करना होगा। सबको ऐड करके आप अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑफिशियली मेल कीजिए। सबसे पहला तरीका यही है और सबसे पहला स्टेप भी यही होता है कि आप जो रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसको आपको ऑफिशियली करना है, ठीक है। 2 दिन वेट कीजिए, 3 दिन वेट कीजिए, अगर रिस्पॉन्स आना होगा उसी समय आ जाएगा। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप फिर से उसी चीज़ को फिर से मेल कीजिए, ठीक है। फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप पर्सनली जाके अपने HR से मिल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मैंने 2 बार आपको मेल किया हुआ है, उसको प्लीज़ सीन कीजिए और उसका जो भी आंसर है हमको दीजिए। ऐसे जाके आप पर्सनली उनको बोल सकते हैं, बोलने के बाद फिर से आप उनको वही मेल फिर से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऑफिशियली इस चीज़ को 2-3 बार अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलता है तो फिर आपको इसको 2-3 बार प्रोसेस को करना है। ये जो आपका 2-3 बार आपने मेल किया है ये आपके पास प्रूफ रहना बहुत ज़रूरी है, आगे मैं बताती हूँ किस लिए। उसके बाद जो है आपको नोटिस, जब आपका एक्सेप्ट हो जाता है, रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो जाता है, आपको उधर से भी मेल आ जाता है और तब आपका शुरू होता है नोटिस पीरियड। कहीं कहीं पे नोटिस पीरियड 30 डेज का होता है, 45 डेज का होता है, 60 डेज तक का होता है, अकॉर्डिंग टू आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा होता है कि आपको नोटिस पीरियड कितने दिन का सर्व करना है। नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद आपको जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स है वो कंपनी आपको दे देती है और आप जॉब रिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया है पूरा मेथड, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि रेजिग्नेशन लेटर का जो प्रूफ आपके पास होना चाहिए वो इसलिए कि इन फ्यूचर आपको लेबर लॉ के पास जाना पड़े, लेबर ऑफिस में जाना पड़े, मोहरे के पास जाना पड़े, तो ये प्रूफ वहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑफिशियल प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बाद आपको रिज़ाइन मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो फिर आपको मे बी कंपनसेशन देना पड़े कंपनी को, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो इसके लिए कंपनसेशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ पूरा फिक्स्ड है, वही कंपनी आपसे चार्ज कर सकती है। लगभग ये वीज़ा के चार्जेस की तरह ही होते हैं कि कंपनी ने जो आपका वीज़ा लगाया लगभग उतना ही पैसा आपको एज ए कंपनसेशन देना होता है, या फिर अगर आपकी न्यू जॉब लग गई है तो न्यू कंपनी ये कंपनसेशन बेयर कर सकती है और आपके पुराने कंपनी को दे सकती है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू यूएई लेबर लॉ रिज़ाइन करने का पूरा प्रोसेस। अगर आप लोग प्रैक्टिकल प्रोसेस भी जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत कम कंपनीज हैं जो कि लेबर लॉ को फॉलो करती है, सब लोग जानते हैं, तो प्रैक्टिकली कैसे हम रेजिग्नेशन दे सकते हैं, कैसे जॉब छोड़ सकते हैं, अपने होम टाउन जा सकते हैं या फिर दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर से एक वीडियो बनाऊंगी उसके लिए भी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।